हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 50 शेड्स ऑफ लाइफ। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल एंड डिलीशियस सी डिश, ब्रेड चीज बॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं इसकी फिलिंग, जिसके लिए हम लेंगे ग्रेटेड पनीर, ग्रेटेड मोजरेला चीज, फाइनली चॉप्ड अनियन, कैप्सिकम, थोड़े से कॉर्न्स, सॉल्ट एंड पेपर। मिक्सर के तैयार होने के बाद हम लेंगे कुछ ब्रेड स्लाइस। हम कोई भी ब्रेड इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मिल्क ब्रेड ली है। हम ब्रेड स्लाइस लेके उनके चारों कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक स्लाइस को पानी में डुबाकर गीला करेंगे और हाथ से दबाकर इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। उसके बाद इसी ब्रेड में हम अपनी बनाई फिलिंग को भरेंगे एंड देन दूसरी ब्रेड को लेकर उसी तरीके से पानी में डुबोकर गीला करेंगे और पहली ब्रेड जिसमें हमने मिक्सचर भरा था उसके ऊपर रखकर उसको कवर करेंगे। देन दोनों हाथों से अच्छे से दबाकर हम ब्रेड का पानी निकाल देंगे ताकि ब्रेड का ऊपर वाला पीस और नीचे वाला पीस आपस में अच्छे से चिपक जाए और एक ब्रेड की बॉल बनकर तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से मैंने चार चीज़ बॉल्स बना ली हैं और अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही एक पैन में ऑयल गरम करने रख दिया था। अब ऑयल को मीडियम फ्लेम पर रखकर हम चारों बॉल्स को ऑयल में फ्राई करने के लिए डालेंगे। याद रखिए, ऑयल को मीडियम फ्लेम पर ही रखिए वरना बॉल एकदम जल जाएंगे। इसके बाद एक मिनट तक बॉल्स को ऑयल में रहने दीजिए, बिल्कुल मत छेड़िए। और एक मिनट के बाद चारों बॉल्स को बारी बारी करके पलट लीजिए ताकि सारी बॉल्स दोनों तरफ से इक्वली फ्राई हो सके। और इसके बाद हमें 4 से 5 मिनट तक इन बॉल्स को ऑयल में फ्राई करना है और फ्राइंग के दौरान गैस का फ्लेम मीडियम रखिए, अदरवाइज ये बॉल्स बाहर से बहुत जल्दी डार्क हो जाएंगी लेकिन अंदर से चीज़ और पनीर थोड़ा कच्चा रह जाएगा। तो मेक श्योर कि 4 से 5 मिनट तक आप इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करिए और जैसे ही ब्रेड्स का कलर, बाहर से चीज़ बॉल्स का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अच्छे से ऑयल निचोड़ कर इनको बाहर निकाल लीजिए। तो इसी के साथ मेरी चीज़ बॉल्स तैयार हैं। अब मैंने प्लेटिंग कर ली है, तो चलिए मैं जल्दी से इनको खोलकर दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी लग रहे हैं। लग रहे हैं ना बहुत ही यम्मी। अगर आपको पसंद आई हूँ देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।